Your examples with respect to consumer electronics is that the story of retailer free riding is less convincing. For example, they are saying that if there are retailers or stores which provides pleasant fitting rooms is an important determinant of the demand for clothing. But the idea for consumers trying on jeans at one store and then buying from another outlet that offers low prices but poor fitting rooms is not that convincing. So what then is the justification for the resale price maintenance? अगर ऐसा हम लोग बोल रहे हैं ये बहुत ही कम सिनारियो है या कुछ इंडस्ट्रीज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है कि हम ट्राई कहीं और करें और उसके बाद उसको परचेज कहीं और से करें, अगर कुछ इंडस्ट्रीज में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह का हमें बेनिफिट डिराइव नहीं करेगा. एटलीस्ट इस डिस्कशन से तो हमें यही पता चल रहा है. सो एज वी हैव सीन प्रीवियसली व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस टू पार्ट टैरिफ, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरर एक फिक्स्ड फी चार्ज करता है और उस केस में मैन्युफैक्चरर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज करे और रिटेलर प्रॉफिट को भी इंक्रीज करे. जब भी मैन्युफैक्चरर वो फिक्स्ड फी, आपको याद होगी ये इक्वेशन हमने अभी रिवाइज भी की थी, दैट दिस एफ इज इक्वल टू पाई एम, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया है. सो जब भी ये फिक्स्ड फी चार्ज हो जाती है, ये फिक्स्ड फी एक तरीके से मैन्युफैक्चरर को मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव करके देती है. व्हेन वी टॉक अबाउट the industry, industry profit maximize ho jata hai. So now they are saying that suppose this total profit is a function of consumer demand. Obviously, humne jab wo demand function likha tha, humne DP likha tha na, this P minus C profit is a function of P minus C and total demand. To hamara ye jo profit function hai, ye total demand ka function hai, which in turn is a function of retail price, that is this P, and of the sales effort which is put by the retailers. क्योंकि अगर रिटेलर अपने सेल्स एफर्ट पुट इन नहीं करेगा, अगर वो एम्प्लॉयज हायर नहीं करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए, या फिर वो इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा, तो हमारा ये डिमांड सफर हो सकता है और ये डिमांड डिक्रीज हो सकता है. Now they are saying suppose this P star and S star be the optimum level of price as well as the sales effort. And the problem is now, can the manufacturer induce the retailers to set this P star and S star based on this two-part tariff that we have discussed? क्या manufacturer retailers को किसी तरीके से manipulate कर सकता है या फिर उसको convince कर सकता है कि उसको ये retail price किस level पे charge करना चाहिए और उसको sales efforts पे कितना investment करना चाहिए, मतलब S star पे कितना investment करना चाहिए? सो जब हम डबल ये डबल मार्जिनलाइजेशन प्रॉब्लम और टू पार्ट टैरिफ हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने किसी भी तरह की कोई सेल्स इन्वेस्टमेंट के बारे में बात ही नहीं की थी, तो वहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मैन्युफैक्चरर को डेफिनेटली, क्योंकि उसमें हमने वही कहा था कि टू पार्ट टैरिफ हम जब ही इम्पोज करते हैं जब मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट लेवल इंक्रीज करना चाहता है. तो ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कैन द मैन्युफैक्चरर इंड्यूस रिटेलर टू सेट अ पर्टिकुलर प्राइस, यस द मैन्युफैक्चरर कैन इंड्यूस इफ देयर इज नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड इन एनी टाइप ऑफ सेल्स एफर्ट लाइक हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज और probably investing in the advertisement. So in particular we say that if retailers compete with each other, then the manufacturer should set a high wholesale price and a low fixed fee. So will this be beneficial or will this induce the optimum level of sales effort? क्योंकि अगर वो एक अगर manufacturer अपना wholesale price increase कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका per unit price increase हो जाएगा. तो जब पर यूनिट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो रिटेलर को ऐसा लगेगा कि पर यूनिट प्राइस इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि मेरा एटलीस्ट ये प्रोडक्ट सेल ऑफ हो जाए, मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सेल्स के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर, ताकि मैं अपना डिमांड बेस इंक्रीज कर सकूँ. कल मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि सपोज सिर्फ जो हमने फिक्स्ड फी चार्ज की है, सपोज वो हमने 200 चार्ज की है, कल शायद मैंने 20 बोला था, तो ये फिक्स्ड फी है, इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ये W है.
तो अगर मैन्युफैक्चरर एक 200 की फिक्स्ड फीस चार्ज करता है और सपोज जो रिटेलर है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो वो इजीली इस 200 को इन 10 यूनिट्स में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। पर ये बोल रहे हैं कि सपोज ये होलसेल प्राइस ही हम इंक्रीज कर दें, पहले अगर ये 10 यूनिट हमें 1,000 रुपए की पड़ती थी, अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया और ये 10 यूनिट अब हमारी 2,000 की हो गई है और इस फिक्स्ड फी को रिड्यूस कर दिया जाए, इसको सपोज 100 कर दिया जाए, तो अब क्या होगा? अब अगर यहाँ पे रिटेलर इसको डिवाइड भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने की भी सोचेगा टू दीज प्रोडक्ट्स इन यूनिट्स में, तो भी उसका जो पर यूनिट कॉस्ट होएगी वो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होएगी, क्योंकि अब रिटेलर का मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो डेफिनेटली प्राइस लेवल भी इंक्रीज होएगा, और जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो हमारा डिमांड रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। आप यहाँ पे देखो, हमने जो ये प्रॉफिट फंक्शन लिखा है, दिस पाई इज इक्वल टू पी माइनस सी डी पी, तो हम बोल रहे हैं कि जब होलसेल प्राइस इंक्रीज हो गया तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो गई, कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, प्राइस लेवल इंक्रीज होएगा तो हमारा डिमांड रिड्यूस होता है। तो इस डिमांड को रिड्यूस होने से बचाने के लिए और हमारा इन्वेस्टमेंट पे या फिर इसको डिमांड को इंक्रीज करने के लिए रिटेलर को अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सेल्स इंक्रीज करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि अगर रिटेलर्स आपस में कॉम्पीट करते हैं तो मैन्युफैक्चरर के लिए एक प्रॉफिटेबल सिनारियो होता है कि अगर वो अपने होलसेल प्राइस को इंक्रीज कर दे और अपनी फिक्स्ड फीस को रिड्यूस कर दे। ये कंक्लूजन हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम लोगों ने रिटेलर कंपटीशन डिस्कस किया था उसमें भी हमने यही कहा था ना, यहाँ पे आप लोगों ने नोट्स में भी लिखा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिटेलर केस में होता है जब हमारा W मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होएगा जब वो अपना इस होलसेल प्राइस को PM के इक्वल चार्ज करे, मतलब अपना होलसेल प्राइस इंक्रीज कर दे और अपनी फिक्स्ड फीस को रिड्यूस कर दे, तो वो रिटेलर को इंड्यूस कर सकता है कि उसको सेल्स एफर्ट इंक्रीज करने चाहिए। सो इन्वेस्टिंग इन सेल्स एफर्ट लीड्स टू अ ग्रेटर सेल्स एंड फॉर द रिटेलर द मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर प्रोपोर्शनल टू द मार्जिन इट रिसीव्स पर यूनिट ऑफ सेल्स। पर यूनिट ऑफ सेल्स उसको जो बेनिफिट होता है, द मार्जिनल रेवेन्यू उसको जो होएगा दैट विल बी दिस पी माइनस कॉस्ट, जहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये होलसेल प्राइस है। यही वो चीज़ बोल रहे हैं कि अगर वो लोग सेल्स एफर्ट ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सेल्स होएगी, इन टर्न मार्जिनल बेनिफिट भी हमारा प्रोपोर्शनल होएगा टू द मार्जिन जो उनको वो रिसीव करेंगे ऑफ दैट दिस मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन पी माइनस एम सी। दैट इज वन एक्स्ट्रा सेल्स इम्प्लाइज कि हमारा एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हमारा एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सेल ऑफ होएगा तो हम एक्स्ट्रा मार्जिनल रेवेन्यू अर्न करेंगे, दैट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू दिस पी माइनस सी वेयर इन दिस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इफ द रिटेलर रिसीव्स अ लो मार्जिन, लो मार्जिन मतलब कि उसका जो ये प्राइस लेवल है ये कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो उस केस में अगर वो अपने सेल्स पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इतना बेनिफिट होएगा ही नहीं। आपको याद होगा हमने एडवर्टाइजिंग में भी ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हमारा प्राइस मार्जिन लो होता है, हमने डायग्राम ड्रॉ किए थे एडवर्टीजमेंट के, आपके पास नोट्स हैं तो आप प्लीज़ अपने नोट्स फ्लिप करके देखिए, उसमें हमने कहा था कि जहाँ पे हमारा मार्जिन लो होता है मतलब प्राइस लो होता है, प्राइस लो किस इंडस्ट्री में लो होएगा हमारा, जिस इंडस्ट्री में हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे हमारा इलास्टिक कर्व है, इलास्टिक कर्व होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला। तो जो हमने सेकेंड, या मैं आपको एक काम करती हूँ ओपन करके दिखा देती हूँ, सो This is the advertising PPT which I have uploaded. Yes, इसमें हमने as you can see in this diagram, जहाँ पे हमारा ये elastic demand curve है, जहाँ पे हमारी ये price margin कम होती है, वहाँ पे हमने कहा था ये जो box A है, this box A is less than this rectangle B, क्योंकि हमारा यहाँ पे price margin कम है, तो इनको advertisement से, जहाँ पे हमारा price margin कम होता है, advertisement से इतना benefit नहीं हो पाता है। Same thing we are saying over here. कि हमारा जब भी लो मार्जिन होता है, देन द इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीजिंग सेल्स आर वेरी स्मॉल। हाउएवर फ्रॉम एन इंडस्ट्री वाइड परस्पेक्टिव, दैट इज व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स, द मार्जिनल गेन फ्रॉम सेल्स वुड बी ग्रेट। क्योंकि अब ये एक्चुअली हम लोगों का
प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को भी बेनिफिट होएगा और रिटेलर को भी बेनिफिट होएगा. सो इनफैक्ट इन दिस केस द प्रॉफिट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस पी माइनस सी विच इज ग्रेटर देन पी माइनस डब्ल्यू. वाई ग्रेटर? क्योंकि हमने बोला है कि अगर ये जो होलसेल प्राइस है, ये होलसेल प्राइस इस कॉस्ट से बड़ा होता है, देन डेफिनेटली जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, दिस पी माइनस डब्ल्यू, दिस विल बी लेस देन द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ पी माइनस सी. गाइज, आई वॉन्ट अ कॉन्फर्मेशन कि आपको ये बुलेट समझ आया है कि जब हमारा होलसेल प्राइस मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट से बड़ा होएगा, तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट रिटेलर डिराइव करेगा P माइनस W, दिस विल बी लेस देन दिस P माइनस C. इज दिस पॉइंट क्लियर? प्लीज आई वॉन्ट अ कॉन्फर्मेशन. ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिजायर टू इंड्यूस द रिटेलर्स टू प्राइस हाई, क्योंकि उस केस में हमें अगर ये हमने W को इंक्रीज किया है तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड द डिजायर टू इंड्यूस रिटेलर्स टू इन्वेस्ट इन सेल्स एफर्ट. एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि हम इस W को हाई चार्ज करेंगे, जैसे ही हमने हाई W चार्ज किया वैसे ही रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया. रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया तो उसको सेल्स से इतना बेनिफिट नहीं होएगा. तो ये दो चीज़ें बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो जाती हैं. सो सपोज नाउ मैन्युफैक्चरर ने एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया, कि अब मैन्युफैक्चरर ने खुद ही बोला कि ठीक है आप एटलीस्ट इसको P इज इक्वल टू पी एम पे सेल करोगे, एंड द होलसेल प्राइस इज एट द लेवल ऑफ W इज इक्वल टू C. तो हम दोबारा से उसी सिनेरियो में चले गए हैं जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था, जहाँ पे पी एम प्राइस होएगा और हमारा जो मार्केट का टोटल सरप्लस है, टोटल बेनिफिट है फर्म्स का, वो इंक्रीज होएगा. नाउ बिकॉज रिटेलर्स कॉम्पीट विद ईच अदर एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज लो, दैट इज W इज इक्वल टू C, होलसेल प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर. सो ईच हैज अ ग्रेटर इंसेंटिव टू अंडरकट द राइवल व्हेन द प्राइस इज हाई. बट बिकॉज प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस मिनिमम प्राइस, therefore all the retailers will set a price that is equal to this P. तो एक तरीके से हमारा uniform price level prevail करेगा यहाँ पे. And then in this case, what about the investment? Now because this W is equal to C, तो जो भी, क्योंकि अब अभी हमने यहाँ पे बोला है कि जब हमारा ये W equal to C होता है तो हम लोगों का जो profit होएगा retailer को वो ज़्यादा होएगा. So उस case में retailer के लिए भी beneficial होएगा अगर वो अपना सेल्स एफर्ट पुट इन करता है, क्योंकि अब उसका पर यूनिट जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगा. देयरफॉर द रिटेल इट इज ऑप्टिमम फॉर द रिटेलर टू पुट अ सेल्स एफर्ट दैट इज इक्वल टू दिस एस स्टार. टू समराइज वी कैन से दैट दिस रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मे हैव द वर्च्यू ऑफ प्रिवेंटिंग डाउनस्ट्रीम कॉम्पिटिशन. मतलब रिटेलर्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन को ये जो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है, मतलब कि जो हम ये यूनिफॉर्म प्राइस लेवल मेंटेन कर रहे हैं ये पी आई इज इक्वल टू पी करके भी, और पहले भी जो हमने रीसेल प्राइस मेंटेनेंस के थ्रू हमने इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नैलिटी को अवॉइड किया था, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो आरपीएम है एक तरीके से डाउनस्ट्रीम कॉम्पिटिशन को प्रिवेंट करता है, उस कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करने से रोकता है, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन रिटेलर का इंसेंटिव भी डिस्ट्रॉय कर सकता है टू इन्वेस्ट इन सर्विस क्वालिटी एंड टू इंक्रीज in the demand. So this is especially important when such investments cannot be agreed upon contractually. मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा vertical integration नहीं होता है तो manufacturer directly तो control नहीं कर सकता. Directly manufacturer retailer को नहीं बोल सकता कि आप अपना investment करो in your advertisement or in your sales. But indirectly manufacturer क्या कर सकता है कि वो अपना cost को इनडायरेक्टली वो अपने कॉस्ट को इस W के इक्वली, मतलब अपना होलसेल प्राइस इस C के इक्वली चार्ज करेगा, एंड एट द सेम टाइम वो ये बोलेगा कि आप मैक्सिमम प्राइस चार्ज कीजिए. मतलब वो रीसेल प्राइस मैकेनिज्म मेंटेनेंस यूज करेगा और बोलेगा कि मैक्सिमम प्राइस चार्ज कीजिए, दैट इज P इज इक्वल टू पी एम. तो अब किसी भी रिटेलर के पास स्कोप नहीं रहेगा कि वो इससे ज्यादा प्राइस चार्ज करे, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो उसका जो डिमांड है, उस रिटेलर का जो डिमांड है वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, दूसरे राइवल्स भी
मार्केट में है जहां से दूसरे राइवल्स परचेज कर सकते हैं. सो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर इनडायरेक्टली ये मिनिमम प्राइस इम्पोज करके रिटेलर को कन्विंस कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है कि वो सेल्स एफर्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे. गाइस, इज दिस टॉपिक क्लियर? इज दिस टॉपिक ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल क्लियर? डू यू वॉन्ट मी टू समराइज इट? इज इट क्लियर? इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज मैन्युफैक्चरर कॉम्पिटिशन. Please let me know, is this indirect, आपको समझ आया है indirect control कैसे करता है manufacturer? वो करता है अपने wholesale price को minimum cost पे maintain करके और resale price mechanism maintenance को use करके, जहाँ पे वो retailer को बोलता है आपको एक minimum price impose करना पड़ेगा. वो minimum price already manufacturer इतना high charge करता है कि कोई भी rival firm उससे ज़्यादा price नहीं कर सकती है. So उस case के अंदर वो retailer को convince कर लेता है कि अब आप sales effort put in कर सकते हैं, क्योंकि हमने already ये जो price level है इसको PM पे charge किया है, तो जो कि एक high price level है, और हम आपको cost जो कि W इस होलसेल प्राइस से कम पे हम आपको मार्जिनल कॉस्ट पे ही गुड सप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका पर यूनिट मार्जिन है प्रॉफिट का, दैट इज पीएम माइनस सी, ये पर यूनिट मार्जिन ग्रेटर है एज कंपेयर टू पर यूनिट मार्जिन ऑफ पीएम माइनस W. देयरफॉर अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू अ सिचुएशन, अगर आप इस सेकेंड सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट करते जहां पे W ग्रेटर देन C होता. तो Guys, are we clear with this topic? Please let me know. This topic is important. Ashwin, are we clear with this topic? Any doubt? No, ma'am, it's clear. All right. ओके, सो नेक्स्ट इज आर मैन्युफैक्चरर कॉम्पिटिशन. जैसे हमने रिटेलर कॉम्पिटिशन डिस्कस किया है, वैसे ही मैन्युफैक्चरर कॉम्पिटिशन भी हम डिस्कस करेंगे. सो इन दिस केस वी आर सेइंग दैट देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरर लेवल पे भी कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है, और उसकी वजह से भी जो ये वर्टिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर वो चेंज हो जाती है. सो फर्स्ट, इट अफेक्ट्स द नेचर ऑफ ऑप्टिमल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप होंगे बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स. एंड सेकेंडली, डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी अपस्ट्रीम फर्म को या मैन्युफैक्चरिंग फर्म को, जिससे वो अपना प्रॉफिट लेवल भी मेंटेन कर पाए और रिटेलर उन्हीं से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले. अब रिटेलर मार्केट पावर, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस द इम्पैक्ट एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर कॉम्पिटिशन ऑन द रिटेलर मार्केट पावर. अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो मैन्युफैक्चरर लेवल पे है. सपोज दैट देयर आर 12 मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर सिर्फ एक ही है, तो अब वो रिटेलर जिस भी मैन्युफैक्चरर के गुड को अपने स्टोर में रखेगा, उसी मैन्युफैक्चरर को ज्यादा बेनिफिट होगा. इसका मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर इस रिटेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो उस मैन्युफैक्चरर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, उसका लॉस बहुत ज्यादा होएगा, बिकॉज दैट मैन्युफैक्चरर विल नॉट बी एबल टू सेल इट्स गुड. तो अभी तक, पहले मैं लेमन टर्म्स में आपको बता देती हूँ, अभी तक तो हम ये डिस्कस करते आ रहे थे कि मैन्युफैक्चरर एक होलसेल प्राइस भी चार्ज करेगा और एक फिक्स्ड फी भी चार्ज करेगा रिटेलर से. पर अब हम ये बोल रहे हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और अब ये मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि ये जो रिटेलर है ये मेरे प्रोडक्ट को अपने स्टोर के अंदर, अपने शेल्फ के ऊपर एक जगह प्रोवाइड करे, जिससे कि मेरा आउटपुट सेल हो सके, मेरा प्रोडक्ट सेल हो सके. तो इसका मतलब अब जो मैक्सिमम पावर है मार्केट की वो इस रिटेलर के पास है. एंड अगर ये एक सपोज मैन्युफैक्चरर वन को चूज करता है, मैन्युफैक्चरर टू को चूज नहीं करता है, तो मैन्युफैक्चरर टू का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है इफ इट इज हैविंग अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ. इफ इट इज हैविंग अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ, मतलब उसको रिटेलर टू इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा मैन्युफैक्चरर टू का.
ऑन द अदर हैंड, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो मैन्युफैक्चरर्स के बीच में है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि इस मैन्युफैक्चरर को फीस देनी पड़े रिटेलर को कि हम लोग आपको 200 रुपीज देंगे, आप हमारे प्रोडक्ट को ही अपने स्टोर में डिस्प्ले कीजिए और वहीं से ही इसको सेल ऑफ कीजिए. तो अब जो टेबल है दैट हैज कम्प्लीटली बीन स्विच्ड एंड नाउ दिस फिक्स्ड फी इज एक्चुअली पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर इंस्टेड रिटेलर पेइंग द फीस टू द मैन्युफैक्चरर. सो यही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अब रिटेलर के पास मार्केट पावर आ जाती है. दिस हैपन्स वेन द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इज लार्ज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ रिटेलर्स. इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ग्रॉसरी स्टोर्स का, एंड दे हैव डिस्कस्ड अबाउट इन द लॉस एंजलस एरिया अलोन देर आर 15 वराइटीज ऑफ ग्रीन पीस, 19 डिफरेंट वराइटीज ऑफ मस्टर्ड एंड 12 ब्रांड्स ऑफ फ्रोजन पिज्जा. सो मोस्ट ऑफ द मार्केट पावर इज देयर फॉर एट द रिटेलर लेवल, नॉट एट द मार्केट लेवल. So limited shelf space means that the opportunity cost of carrying one particular product is very high. Limited shelf space means that opportunity cost of carrying one particular product is very high. ये रिटेलर के पर्सपेक्टिव से भी हम बोल सकते हैं, अगर रिटेलर का स्टोर इतना बड़ा नहीं है और वो सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर के साथ डील करता है और उसी के प्रोडक्ट को सेल करता है, तो इसका मतलब हमारे, क्योंकि हमने ऊपर बोला है कि हमारे 15 डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हैं या 19 वराइटीज ऑफ या 12 वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हैं, सारे कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकती हैं. सो कुछ कंज्यूमर्स तो कॉम्प्रोमाइज करके अपना दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे, बट कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो दे आर वेरी लॉयल टू दी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो रिटेलर को भी नुकसान हो सकता है अगर वो सारे प्रोडक्ट्स अपने पास नहीं रखेगा. तो इस वजह से मैन्युफैक्चरर को अगर कन्विंस करना है रिटेलर को कि आप हमारे ही प्रोडक्ट को रखो, तो उसको एक हायर फिक्स्ड फी पे करनी पड़ेगी टू द रिटेलर. सो द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस सेक्शन वुड प्रिडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरर सेट अ हाई होलसेल प्राइस एंड अ फिक्स्ड फीस विच इज इक्वल टू वेरिएबल प्रॉफिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. ये हमने अभी डिस्कस किया था कि टू पार्ट टैरिफ में वो अपनी एक फिक्स फी चार्ज करते हैं, बट अब यहाँ पे बिकॉज द रिजल्टिंग मार्जिन इज लो एंड द फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ स्पेस इज वेरी हाई. मतलब अगर वो एक प्रोडक्ट को जगह देता है तो वो दूसरे प्रोडक्ट को जगह नहीं दे सकता है. द फिक्स्ड फी पेड बाय द रिटेलर में एक्चुअली भी नेगेटिव. तो ये जो लाइन लिखी है द फिक्स्ड फी पेड बाय द रिटेलर में भी नेगेटिव, इसका मतलब अब रिटेलर फीस पे नहीं करेगा, अब मैन्युफैक्चरर फीस पे करेगा. इन अदर वर्ड्स इट मे बी द मैन्युफैक्चरर दैट हैज टू पे द रिटेलर फॉर द सेल्फ स्पेस. एंड इन फैक्ट स्लॉटिंग अलाउेंसीज फीस पेड बाई द मैन्युफैक्चरर्स टू ऑप्टेन द रिटेलर पेट्रोनेज आर कॉमन प्रैक्टिस इन दीज मार्केट्स. सो दिस इज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरर्स कॉम्पिटिशन, जहाँ पे रिटेलर के पास मार्केट पावर होती है. नेक्स्ट अगेन, जैसे हम लोगों ने रिटेलर के केस में डिस्कस किया था एक्सटर्नैलिटीज, इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नैलिटीज, उसी तरीके से हमारी एक्सटर्नैलिटीज मैन्युफैक्चरर्स को भी फेस करनी पड़ती हैं. एग्जाम्पल हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ सेलिंग द कार. So suppose we are dealing with this car dealership, it is often the case that manufacturers invest resources in training sales people who work in this dealership, and some of this training is very specific to the manufacturer's car, but some other training aspect is general also, jo wo kisi aur car, koi aur car manufacturer ke liye sell karne ke liye bhi uske liye bhi wo employee kaam kar sakta hai. So if dealers were to work with more than one manufacturer, then there would be an inter-manufacturer externality. जैसे हमारी इंटर रिटेलर मैन्यू एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एक्सक्लूसिव टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया था उसके आज सोल्यूशन के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे इंटर मैन्युफैक्चरर एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट करती है. सो इट बेसिकली सेज दैट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय वन मैन्युफैक्चरर विल बेनिफिट द राइवल मैन्युफैक्चरर, एंड वन वे टू सॉल्व दिस एक्सटर्नैलिटी इज to impose on retailers the vertical restraint of exclusive dealing. जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो retailer है
ये सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर सकता है, ये उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम नहीं करेगा, या जो हमारा एम्प्लॉई है वो उसके साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे दैट यू कैन डील ओनली विद अस एंड नॉट विद अदर्स. इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे सच एज कोका कोला एंड पेप्सिको. अभी तो खैर दोनों ही अवेलेबल होती हैं, बट आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन इज फ्रॉम JDMC जानकी देवी. सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दीज ड्रिंक्स, बट सिंस माई फ्रेंड्स वर, सो आई नो उस टाइम पे हमें कोका कोला उस कॉलेज में नहीं होती थी, इट वॉज ओनली पेप्सी एंड आई थिंक दैट माजा और मिरेंडा जो भी होती है वो, बट कोक हम लोगों को वहाँ पे उस कैंटीन में नहीं प्रोवाइड की जाती थी. इट वॉज 2009 to 12. सो ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कोका कोला या पेप्सी को कंपनी है, तो ये जो भी अपना जो जिन रिटेलर्स के साथ ही अपनी टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारी ही पेप्सी को या कोक को आप सेल करोगे, तो ये एक तरीके से ये देखते हैं कि आप हमारे एजेंट्स की तरह काम कर रहे हो. सो सपोज दैट देर आर टू रिटेलर्स R1 एंड R2, और पेप्सी को ने R1 के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको व्हाटएवर यूनिट्स एंड बॉटल्स ऑफ पेप्सी सप्लाई करेंगे, बट हेयर यू आर एक्टिंग एज द एजेंट्स ऑफ आवर कंपनी एंड देयर फोर आप राइवल ब्रांड का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो. वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप काम हमारे लिए कर रहे हो पर आप प्रोडक्ट उनका भी सेल कर रहे हो, क्योंकि हमने तो, अगर हम कार डीलिंग में बात करें तो जो कार डीलर्स है मैन्युफैक्चरर्स क्या बोलेंगे कि भाई ट्रेनिंग तो हमने आपको दी है कि कार को कैसे सेल करना है, पर आप अगर अपने अपने स्टोर में किसी और कार को भी सेल करोगे तो आप वहां पे हमारी ट्रेनिंग को यूज करते हुए दूसरे कार को सेल करोगे, दूसरे कार मैन्युफैक्चरर को हेल्प होएगा उससे, तो आप हमारे एजेंट होते हुए ऐसा काम नहीं कर सकते हो, और ये एक तरीके से हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, इन दिस इंडस्ट्री एंड इन अदर रिलेटेड वंस एक्सक्लूसिव डीलिंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस. बोथ कोका कोला एंड पेप्सिको हैव डील्स इन कॉलेजेस, रेस्टोरेंट, बॉल पार्क एंड सम अदर रिटेल आउटलेट दैट प्रिक्लूड सेल्स ऑफ राइवल ब्रांड्स. प्रिक्लूड मतलब एक्सक्लूड करना, एटलीस्ट द सेल्स ऑफ द राइवल ब्रांड, जो कॉम्पीटिंग ब्रांड है उसको वो एक्सक्लूड करना चाहते हैं. सो देर इज वन मोर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल इन्होंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. नाउ देन दे आर समराइजिंग दैट मैन्युफैक्चरर्स आर अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन हेल्पिंग देयर रिटेलर्स इफ द रिटेलर्स सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम राइवल मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो. सो एक्सक्लूसिव डीलिंग सॉल्व्स दिस इंटर मैन्युफैक्चरर एक्सटर्नैलिटी एंड हाउएवर एक्सक्लूसिव डीलिंग में ऑल्सो इम्प्लाई द एग्जिट ऑफ दिस राइवल मैन्युफैक्चरर्स. अगर हमारे लिमिटेड रिटेलर्स हैं R1, R2, R3, सपोज लिमिटेड रिटेलर्स हैं, और से पेप्सी ने R1 और R2 के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप कर लिया है, जिसकी वजह से कोक के पास सिर्फ ये R3 ही बचा. नाउ अगर हम देखें अपना पूरा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हमारा जो मैक्सिमम मार्केट पावर है वो पेप्सी के पास, पेप्सिको के पास रहेगा. और हमने लर्निंग बाय डूइंग भी डिस्कस किया हुआ है, हमने फॉर्म साइज के बारे में भी डिस्कस किया है, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो कंपनी जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करती है उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है. तो अब क्योंकि यहाँ पे पेप्सिको ऑलरेडी दो रिटेलर्स के साथ है जिनका जो कंबाइंड कंज्यूमर बेस है वो इस रिटेलर 3 से बड़ा है, तो पेप्सिको का प्रॉफिट लेवल भी ज़्यादा होएगा. एंड इन टर्न पेप्सिको क्या कर सकती है कि वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकती है अपने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, पर जो कोक है, कोका कोला है, वो डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि उनका तो प्रॉफिट मार्जिन इतना है ही नहीं कि वो डिस्काउंट प्रोवाइड करें. सो इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि कोका कोला कंप्लीटली मार्केट से बाहर चली जाए. सो जो स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट किया था, जो मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी इंटर मैन्युफैक्चरर एक्सटर्नैलिटी को अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एक्सक्लूसिव डीलिंग का स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था, वो एक्सट्रीम केसेस में राइवल मैन्युफैक्चरर्स को कम्प्लीटली मार्केट से बाहर भी निकाल सकती है. सो नाउ दे आर सेइंग दिस वर्टिकल रिस्ट्रेंट्स एज अ कोल्यूजन डिवाइस. सो एज एन एक्सट्रीम इंस्टेंस ऑफ दिस मैन्युफैक्चरर कॉम्पिटिशन, वी कैन डिस्कस दैट सपोज होलसेल प्राइस हमारा मार्जिनल कॉस्ट पे सेट है, दैट इज W इज इक्वल टू C.
एंड सपोज दैट देर आर सेवरल रिटेलर्स जो कि अगेन बटरा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं. नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू बाई नाउ बटरा कॉम्पिटिशन इज प्राइस लेवल कॉम्पिटिशन. तो प्राइस लेवल कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब रिटेलर्स अपने प्राइसेस को तो इंक्रीज नहीं करेंगे, वो पी इज इक्वल टू एम सी पे ही अपना प्राइस चार्ज करेंगे. सो इन इक्विलिब्रियम द रिटेल प्राइस वुड बी पी इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि ये जो होलसेल प्राइस है ये हमारा कॉस्ट के ही इक्वल है. And this is equal to this cost. So P equal to W equal to cost. So profits are zero for both the manufacturers also as well as the retailers also. But yes, social welfare will be maximized. क्योंकि अब consumers जो consumers P M पे purchase नहीं कर पा रहे थे, वो consumer इस price level पे lower price level पे परचेज कर पाएंगे और सोशल वेलफेयर इस तरीके से इंक्रीज करेगा और किसी भी तरह का डेड वेट लॉस नहीं होगा इकोनॉमी में. Now suppose that manufacturers impose a minimum retail price. Minimum retail price and say the monopoly price PM इन्होंने चार्ज कर दिया है manufacturers ने. Clearly इसके वजह से हमारा monopoly profit increase होएगा. अब जब भी हमारा monopoly price charge होता है हमारी quantity reduce हो जाती है और कुछ ऐसे consumers होते हैं जो कि उस high price पे purchase नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से dead weight loss होता है और social welfare reduce हो जाता है. So this example shows that vertical restraints, I think इसमें एक line missing है. So we say that this example shows that, let me just take out on my this laptop. Yeah, so there are 3-4 lines missing in this case. It says that this example shows that the vertical restraints such as RPM maybe a way to soften this competition. We have already discussed this कि जब भी हम लोग अपना RPM use करते हैं तो उसकी वजह से price level पे ज़्यादा difference नहीं आता है between the two firms और एक तरीके से इस RPM को हम as a collusion device भी use कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा price difference इतना ज़्यादा नहीं होएगा तो सारी जो फर्म्स है वो एक यूनिफॉर्म प्राइस लेवल पे ही सेल करेंगी, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी मार्केट के अंदर. सो गाइज, फॉर्मली वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स. ये लास्ट 2 स्लाइड हैं, इसके अंदर से इतना क्वेश्चन नहीं आता है. दे आर जस्ट डिस्कसिंग द केस स्टडी कि ये जो भी हमने वर्टिकल रिस्ट्रेंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं, RPM यूज़ करना और एक्सक्लूसिव टेरिटरीज करना या फिर एक्सक्लूसिव डीलरशिप करना, क्या ये लीगल है या नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये जो रिटेलर्स हैं उनका जो फ्रीडम है अपना डिसीजंस लेने का उसको रिस्ट्रिक्ट करता है. सो इनिशियली US में 1967 में वर्टिकल रिस्ट्रेंट्स को इलीगल बोला गया था. उसके बाद उन्होंने 10 साल के बाद बोला उनके सुप्रीम कोर्ट ने कि जो वर्टिकल नॉन प्राइस रिस्ट्रेंट्स हैं वो जैसे कि एक्सक्लूसिव टेरिटरीज हमने बोली हैं, जिस केस में मैन्युफैक्चरर किसी तरह का प्राइस इंपोज नहीं करता है रिटेलर के ऊपर, पर वो कुछ और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकता है जैसे एक्सक्लूसिव टेरिटरीज इन द केस ऑफ रिटेलर, दैट इज रिटेलर एक्सटर्नैलिटी, एंड एक्सक्लूसिव डीलरशिप इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सटर्नैलिटी. तो जहाँ पे हमारे नॉन प्राइस रिस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड है वो हमारे लीगल है, उसको हम एज अ रूल ऑफ रीजन बोल सकते हैं कि ठीक है इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, ये हमारा एक लीगल कंपोनेंट है. पर अगर हम उस टाइम पे भी 1977 में भी अगर हम लोग प्राइस रिस्ट्रेन कर रहे हैं, मतलब एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर फर्म के प्राइस को कंट्रोल कर रहा है और वो वर्टिकली सेपरेटेड है, तो फिर वो एक इलीगल एक्ट हो जाती है. सो इसी चीज से एसोसिएटेड हमारा दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड. Vertical restraints, ये सब US के perspective से है. If you guys are interested, you can read. Then they are talking about in Europe what happened because of this Treaty of Rome. It prohibits the vertical restraints because they are incompatible with the common market. Then they have given certain exemptions, and that's it. So we are done with this chapter of vertical restraints. If there is any doubt, you can ask me. Otherwise, we are done with this chapter and thankfully we have completed on time. So, मैं आपको एक बार quick revision बता देती हूँ. पहले हम लोगों ने discuss किया कि क्यों, एक बार सुन लो कि आप लोगों को सारी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं या नहीं आ रही है, कोई point भी clear नहीं है, so you can ask. Number 1, we have discussed that why is it important
to study the relationship between between these firms from a different aspect as compared to the relationship between the firms and the consumers. तो इसमें हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे, क्योंकि हमारे रिटेलर्स में कॉम्पिटिशन होता है और फर्म्स और कंज्यूमर्स में किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन नहीं एग्जिस्ट करता है. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट. एंड सेकेंड, क्योंकि जो रिटेलर है वही मार्केट में अपना डिमांड को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, एंड मैन्युफैक्चरर का इतना ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है ऑन दी फॉर द डिमांड ऑफ दैट गुड. सो उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो जाती हैं ये फॉर्म्स तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और उसके लिए हमने रीज़न डिस्कस किया है डबल मार्जिनलाइजेशन. और फिर हमने बोला है अगर वर्टिकली इंटीग्रेटेड भी नहीं है, वर्टिकली सेपरेटेड हैं, सो उस केस में भी अगर नॉन लीनियर कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि टू पार्ट टैरिफ मैन्युफैक्चरर इम्पोज कर सकता है तो वो भी उस केस में अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है. सो दीज आर द टू थिंग्स, दैट इज डबल मार्जिनलाइजेशन एंड टू पार्ट टैरिफ दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. देयर आफ्टर वी डिस्कस द रिटेलर कॉम्पिटिशन, कि अगर रिटेलर कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करेगा सो उस केस में बटरा कॉम्पिटिशन है, देन मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट है कि वो अपना प्राइस इज इक्वल टू पीएम चार्ज करे और सारे मोनोपोली प्रॉफिट अपने पास रख ले. अगर कूनो कॉम्पिटिशन होता है, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, आप नोट्स में रेफर कर सकते हो. अगर कूनो कॉम्पिटिशन होता है तो फिर जो होलसेल प्राइस है वो मैन्युफैक्चरर कोशिश करता है कि वो जो होलसेल प्राइस है वो पीएम से तो कम हो बट उनकी कॉस्ट से ज़्यादा हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अपने आउटपुट को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता है. तो रिटेलर कॉम्पिटिशन में हमने कंक्लूड किया था कि जैसे जैसे रिटेलर्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज करेगा, प्राइस कंपटीशन इंक्रीज करेगा, उतना ही ज्यादा होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपना होलसेल प्राइस इंक्रीज करेगा, P इज इक्वल टू पीएम चार्ज करेगा इन द एक्सट्रीम सिनेरियो. फिर हमने इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नलिटी डिस्कस किया था, जहाँ पे एक रिटेलर को फायदा होता है, वो फ्री राइड करता है ऑन द इन्वेस्टमेंट, वो फ्री राइड करता है ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट इज डन बाय द अदर रिटेलर. सो दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नलिटी. इसको अवॉइड करने का एक सोल्यूशन वी हैव डिस्कस्ड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर इम्पोज कर देता है रिटेलर के ऊपर कि आपको एटलीस्ट इतना प्राइस तो चार्ज करना है, और वो प्राइस इतना हाई होता है कि उससे ज़्यादा कोई भी रिटेलर अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहता, और इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म प्राइस मेंटेन होता है बिटवीन द रिटेलर्स, और फिर दोनों के पास इक्वल चांस होते हैं अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का. सेकंड हमने डिस्कस की थी, सेकंड सॉल्यूशन फॉर दिस इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नलिटीज, एक्सक्लूसिव टेरिटरीज, कि टेरिटरीज को असाइन कर दिया जाए. रिटेलर वन जहाँ पे है वहाँ पे वो अपना एडवर्टीजमेंट सिर्फ उसी जगह पे डिस्प्ले करे, बाकी जगह पे ना करे, उतना ही वो कॉस्ट पे करे. And thereafter we discussed कि manufacturer कैसे indirectly control कर सकता है, कैसे indirectly induce कर सकता है retailer को कि वो अपना कुछ ना कुछ sales price sales में effort लगाए. So manufacturer क्या कर सकता है कि वो impose कर सकता है retailer को कि आप P is equal to PM charge करो और हम आपको minimum cost पे supply करेंगे अपने उस product को, जिसकी वजह से per unit margin increase हो जाएगी और आपको sales, अगर आप sales में investment करते हो sales effort में एंड एडवर्टीजमेंट में, तो आपका जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा. और इस तरीके से मैन्युफैक्चरर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है कि डिमांड हमारी इंक्रीज करे रिटेलर के इन्वेस्टमेंट इनटू एडवर्टीजमेंट के थ्रू. फिर हमने डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरर्स में भी कॉम्पिटिशन होता है, और इस केस में रिटेलर के पास मार्केट पावर होती है, एंड मैन्युफैक्चरर्स कैन इन दिस केस एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स विल हैव टू पे अ फिक्स्ड फीस टू द रिटेलर, ताकि वो उसके प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखे एंड प्रोवाइड अ गुड शेल्फ लाइफ. एंड इंटर मैन्युफैक्चरर एक्सटर्नलिटी भी हमारी हमने डिस्कस की है, जिसमें कि एक मैन्युफैक्चरर अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उससे दूसरे मैन्युफैक्चरर को भी फायदा हो सकता है. सो उस चीज़ को अवॉइड करने का तरीका है एक्सक्लूसिव डीलिंग. मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बोलता है कि क्योंकि आप हमारा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप हमारे एजेंट्स की तरह काम कर रहे हो, तो फिर आप हमारे राइवल फॉर्म के प्रोडक्ट को सेल ऑफ नहीं कर सकते हो, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एंड लास्टली वी डिस्कस्ड कि जो
वर्टिकल रिस्ट्रेंट्स हैं एज अ कल्यूजन डिवाइस भी वो एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल रिस्ट्रेंट जैसे कि आरपीएम रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है, उसकी वजह वो भी हमारा जो मार्केट पावर है उसको भी इम्पैक्ट करता है और वो हमारा एक यूनिफॉर्म प्राइस लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है. मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म प्राइस लेवल अमंग दी सेलर्स, अमंग दी रिटेलर्स. तो फिर रिटेलर्स को भी एक वो हो जाता है कि ठीक है हम लोग कल्यूट कर लेते हैं सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर जॉइंट प्रॉफिट. देयर आफ्टर वी डिस्कस्ड सम लीगल आर्टिकल्स यूरोप एंड यूएसए. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दैट मोर इन डेप्थ. सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ वर्टिकल रिस्ट्रेंट्स एंड आई थिंक नेक्स्ट थर्सडे वी हैव प्लान्ड so next Thursday, 22nd is Thursday. So 22nd and 23rd, again, we have 2 hours of class. So in that, we will complete the one remaining chapter, that is chapter 12. So next week, officially, our syllabus will be over and we will start with the revision 16th November onwards. If any doubt, you guys can ask.